ढाबा या रेस्टोरेंट में आपने पालक की ये सब्जी जरूर ट्राई की होगी पर जब आप देखेंगे कि घर में भी बहुत आसानी से और घर के सामान से बनके तैयार हो जाती है तो आपको उसी समय बनाने का मन करेगा तो नमस्कार पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है इसके लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम जितना पालक लिया है मार्केट में पालक पूरा साल इजीली मिल जाता है इस पालक को मैंने लेकर के इसके डंटल निकाल लिया क्योंकि डंटल इसके हार्ड होते हैं तो वो हमने निकाल लेना है यदि डंटल इसके सॉफ्ट है तो आप इसे रख सकते हैं इस पालक को मैंने पानी में डाल करके तीन चार बार साफ धो लिया है अभी इस पालक को हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर लगभग दो लीटर जितना पानी लिया है इस पानी को हम गर्भ रख देते हैं पानी में उबाल का हमें वेट करना है जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक साइड में मैंने एक बाउल के अंदर ठंडा पानी लिया है और हमारे को इसके लिए चिल्ड वाटर चाहिए तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज के बर्फ के दिन टुकड़े लिए इन टुकड़ों को हम इसमें डाल देते हैं जिससे पानी हमारा एकदम ठंडा हो जाएगा ये काम आपको पहले ही करके रख देना है साइड में पानी में भी उबाल आ गया है उबाल आने के बाद में इस पालों को इसमें डाल देते हैं इस चीज का ध्यान रखें इसके ऊपर हमें ढक्कन नहीं लगाना है इस तरह से आप इसको डुबा दे इसमें हमें ज्यादा देर तक इसको डुबा के नहीं रखना है एक मिनट में पालक हमारा सॉफ्ट हो जाता है पालक को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि हमने उबलते हुए पानी में डाला है देखिए आप देख पा रहे हैं इसका कलर देखिए चेंज होने लग गए है इसका अच्छा हरा कलर आ गया इसको बहुत देर तक इसमें नहीं रखेंगे बस इतना ही हमें पकाना है एक मिनट से ज्यादा नहीं नहीं तो इसका कलर काला हो जाएगा इसका हरा कलर मेंटेन रहे इसके लिए इस पालक को हम निकाल करके सीधा बर्फ के पानी में डाल देंगे इस तरह से करने से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है इसका कलर है मेंटेन रहता है अब ये पालक पूरा ठंडा हो गया कलर आप देख पा रहे कितना सुंदर लग रहा है बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है इसका ये तो पालक को अभी हम निकाल देते हैं इस तरह से निचोड़ करके इसे निकाल लेंगे और इसे दूसरे बाउल में डाल देते हैं इतना काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है फटाफट हो जाता है इस तरह से मैंने पूरे पालक को निकाल लिया है अभी इसमें से हम आधा पालक को अलग कर लेते हैं इतना पालक को हम दूसरी प्लेट में निकाल देते हैं और पीछे जो पालक बचा है इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें पानी रह गया था वो भी इसमें डाल देते हैं क्योंकि इजीली पीस जाएगा वो ढक्कन लगा के इसे पीस लेते हैं तो आप देख पा रहे इसका कलर कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही अच्छा पीस के तैयार हुआ है इसमें इस स्मूथ पेस्ट है तो हल्का सा ब्लांच किया है हमने पर इसमें काफी अच्छा इफेक्ट आया देखिए अभी इसे हम साइड में रख देते हैं अभी जो पालक को हमने बचा के रखा था इसको हम छोटा छोटा काट लेते हैं इस तरह से लेकर के छोटा छोटा काट लें रेस्टोरेंट वाले इसी तरह से बना करके तैयार करते हैं आधे पालक को हमने पीस लिया है और आधे पालक को हमने इस तरह से काट लिया है आप चाहो तो मिक्सी के झाड़ में डालकर जैसे दर दरा पीस भी सकते हैं पर इस तरह से काट के डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अभी इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये रेसिपी इतनी आसान है देखते ही आपको बनाने का मन करेगा अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है पैन में सबसे पहले दो टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं आप चाहो तो इसकी जगह पर तेल भी डाल सकते हैं या बटर भी डाल सकते हैं और घी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं अभी घी हमारा गर्म हो गया है घी गर्म होने के बाद में आँच को हमें मध्यम कर लेना है इसमें आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और इसी के साथ में मैंने पांच सात कलिया लहसुन की ली है इसको इस तरह से काट लिया है आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह पे छींग डाल सकते हैं रेस्टोरेंट में या ढाबा में ये, ये सब्जी मिलती है तो उसमें लहसुन जरूर डाला जाता है ये हमें मध्यम हाथ में पका के तैयार करना है लहसुन पक रहा है इसी के साथ में मैंने तीन हरी मिर्ची ली है जिसको इस तरह से गोल गोल काट लिया है ये इसमें डाल देते हैं इसमें लाल मिर्ची नहीं डाला जाता है इसीलिए मैं हरी मिर्ची ज्यादा डाल रही हूँ ये आप चाहे तो हरी मिर्ची कम भी कर सकते हैं पर इस सब्जी में लाल मिर्ची नहीं डाले इसी के साथ मैंने एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया जिसको इस तरह से महन मैन काट लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं लसन आधा पक जाता है उसके बाद में हमें अदरक और मिर्ची को डाल देना है जिससे लहसुन ज्यादा नहीं पके ज्यादा पक जाता है लहसुन तो फिर खाने में थोड़ा कड़वा लगता है वो अच्छा नहीं लगता है लहसुन के साथ साथ देखिए मिर्ची और अदरक भी अच्छे से पके टाइट गोल्डन कलर आया है इतना ही हमें पकाना है अभी मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया जिसको महीन महीन काट लिया है ये इसमें डाल देते हैं प्याज को महीन काट के डालेंगे जल्दी पक जाता है प्याज को भी हम मध्यम आच में पका तैयार करेंगे इस रेसिपी में पारंपरिक तौर से टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है यदि आपको टमाटर डालना पसंद है तो इसके बाद में आप टमाटर डाल सकते हैं प्याज हमारे अच्छे से पक गए हैं हल्के ट्रांसर दिखने लगते हैं, और हल्का हल्का इसका कलर चेंज हुआ है बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है अभी मैंने एक टेबल स्पून जितना बेसन लिया है बेसन डालने से जो पालक की ग्रेवी होगी अच्छी थिक बन के तैयार होगी बहुत बार ऐसा होता तो है पालक की सब्जी वगैरह बनाते हैं तो ग्रेवी काफी पतली रह जाती है जो खाने में अच्छी नहीं लगती है इससे ग्रेवी थिक बन के तैयार होगी फिर बेसन हमारा अच्छे से पक गया है बेसन पकने के बाद में इसमें जो पालक हमने काट के रखा है वो डाल देते हैं पालक वैसे हमारा अच्छे से पका हुआ है तो इसको ज्यादा नहीं पकाना है आधा से एक मिनट तक पकाना है इसके बाद में इसमें हम क्वार्टर छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं नमक ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि पालक के अंदर काफ़ी मात्रा में नमक होता है इसलिए तो नमक आप इसमें ज़्यादा नहीं डालें इसको भी हल्का सा मिक्स करने के बाद में जो पालक की हमने ग्रेवी बनाई है वो इसमें डाल देते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जैसे मिक्सी का झार भी हमारे साफ हो जाएगा और हल्की सी ग्रेवी बन जाएगी इसका इसके ऊपर हमें ढक्कन लगा करके नहीं पकाना है ढक्कन लगा के पकाएंगे तो पालक का कलर काला हो जाएगा आप देख पा रहे हैं पालक का कलर कितना हरा है एकदम बहुत ही अच्छा कलर है इसका इसे भी हमें पालक की ग्रेवी डालने के बाद में डेढ़ से दो मिनट तक पकाना इसे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि सभी चीजें इसमें पकी हुई है अभी यहाँ पर मैंने लगभग क्वाटर कप जितनी क्रीम ली है आप चाहे तो इसकी जगह पर मलाई भी ले सकते हैं ये डालने से इसका कलर और भी ज्यादा अच्छा आएगा और स्वाद इसका बहुत रिच आएगा यदि आपके पास मलाई नहीं है क्रीम नहीं है तो इसकी जगह पर आप थोड़ा दही भी डाल सकते हैं दही डालें तो आप क्वार्टर कप दही डालें भी आप देख पा रहे इसका कलर कितना अच्छा आ गया है बहुत ही रिच कलर हो गया इसका जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है उसी तरह से सब्जी दिखने लग पाई है अब इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देता है ये लगभग मैंने एक टी स्पून जितना गर्म मसाला दिया है ये इसमें डाल देते हैं अभी तक हमारी सब्जी पूरी बन के तैयारी नहीं हुई है एक मिनट के लिए गैस बंद कर देते हैं गैस बंद करने के बाद में इस सब्जी को हम एक और निकाल देते हैं यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी सब्जी की रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं इस तरह से पूरी सब्जी को मैंने इसमें निकाल दिया है अभी हम आगे की तैयारी करते हैं यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है बर्तन में एक टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं अभी घी हमारे गर्म हो गया है घी गर्म होने के बाद में आँच को थोड़ा धीरे कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ लिए लगभग सात से आठ जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है इसको मैंने लंबा लंबा काटा है जिस दिखने में बहुत सुंदर लगे और पतली पतली कलियाँ होती है वो जल्दी से पक भी जाती है इसी के साथ इसमें एक टी स्पून जितना जीरा डाल देते हैं जीरा भी इसी के साथ साथ पक जाएगा अब देख पा रहे लसुन अच्छे से पकने लग गया है तो यहाँ पर मैंने दो लाल मिर्ची ली है ये सूखी लाल मिर्ची है ये इसमें डाल देता है इनको भी थोड़ा सा इसमें पका लेंगे पक जाने के बाद आप देख पा रहे लाल मिर्ची का कलर बहुत ही अच्छा आ गया भाई इतना ही हमें पकाना है अभी हम गैस को बंद कर देंगे इस छौंक को सब्जी में डाल देते हैं और छौंक को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं भैया ये डालना ऑप्शनल है कुछ रेस्टोरेंट वाले इसमें हरा धनिया डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते हैं पर मैं मेरे घर में इस तरह सर्व करती हूँ जो खाने में इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है इस तरह से हमारे रेस्टोरेंट हबाई स्टाइल में लहसुनी पालक की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है ग्रेवी आप देख पा रहे हैं इसकी कितनी थिक बन के तैयार हुई है इसमें थोड़ा सा बेसन डालना है पर ग्रेवी इसकी बहुत थिक होती है इसमें पानी अलग नहीं दिखता है तो आप भी अपने घर में इस सब्जी को बना करके रोटी नान या चावल के साथ में जरूर सर्व करें फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर